सी पेपर टू में साइंस और मैथमेटिक्स इसका है तो उसमें से हम साइंस का पहले टॉपिक ये कवर करेंगे उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू स्पेयर ऑफ द सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मेटल बट वन इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड दो स्पेयर सेम साइज के तो तो इसमें से जो इसका आंसर है वो इस तरह से है कि जो हॉलो स्पेयर है वो ज्यादा एक्सपांड होगा सॉलिड से तो यहां पर फर्स्ट हम इसे करेंगे हॉलो इसे हम सेव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है तो यहां पर हम ब्रेन कर देंगे ब्रेन और इसके अलावा और नर्व्स भी और ऑल ऑफ दी दबाव भी है इसे हम ऑल ऑफ दी अबाव कर देंगे और सेव करेंगे नेक्स्ट है आउट ऑफ द वन हंड्रेड एंड एटीन नॉन्स एलिमेंट हाउ मेनी आर नेचुरल एलिमेंट्स तो इसे हम करेंगे नाइन्टी फोर फोर करके सेव करेंगे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टेट्स ऑफ मैटर अदर देन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोथ ए एंड बी तो इसे हम बोथ ए एंड बी कर देंगे प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडेंसेट करेंगे इसे मिक्स करेंगे अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड द अदर हाफ विद स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड जीरो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एक बॉडी कवर करती है हाफ तो इसमें हम करेंगे ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आपको ये स्क्रीनशॉट ले, ले लेना है के टोटल डिस्टेंस क्या है टू एक्स तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड ये जो हम लेंगे टाइम टेकन टी वन एजिक्वल टू एक्स अपॉन्ट ट्वेंटी तो सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए हम थर्टी है तो इसे थर्टी करेंगे अब दोनों के हिसाब से वेलोसिटी जो है तो टू एक्स अपॉन्ट टी वन प्लस टी टू तो जिसमें आएगा एक्स अपॉन्ट ट्वेंटी एक्स थर्टी ये ट्वेंटी प्लस थर्टी ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर टू टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो ये ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड होगा इस तरह से तो सॉल्व करने ये फॉलो कर सकते हैं आप तो इसे स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स स्पेषीस लिविंग इन क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ वाटर जनरली एक्सक्रेट यूरिक एसिड एज द प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूरिक एसिड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन बी इजिली एलिमिनेट द किडनीस आर अनेबल टू कन्वर्ट यूरिक एसिड इन यूरिया Enzymes for the formation of urea are absent. तो so, एनिमल जो होते जो लिविंग होते हैं क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ वाटर से वो जनरली यूरिक एसिड प्रिंसिपल ऑफ नाइट्रोजेनियस में कैसे यूज करते हैं, तो ये यूरिक एसिड स्टोर होगा बॉडी में लॉन्ग पीरियड्स में तो so, फर्स्ट हम करेंगे यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड्स नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेजिटेबल्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉल कोलकैजला जिंजीबर्न अगेव वैलिसनेरिया, तो अगैव जो है ये कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सीड्स सीड्स और जो वेजिटेबली एरियल ब्यूलबिल्स और ग्राउंड लेवल बेस्ड शूट्स और राइजोम से होता ही है तो एगेव ये कर देना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच ऑफ द फॉलिंग इज ट्रू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंजल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट द इंसिडेंस रे द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन बोथ एन बीन बी तो इसे हम बोथ एन बी कर देते लेकिन एक लॉ है जिसको कहते हैं नोन एज स्निल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन के हिसाब से रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा तो हम फर्स्ट कर देंगे अभी नेक्स्ट करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सबलिमेशन इवेपरेशन क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन जो सॉल्ट की जो प्रोसेस होती है समंदर से नमक निकालने की वो क्रिस्टलाइजेशन से यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन इसे करना है नेक्स्ट है वन अर्ग इज इक्वल टू 92 टू यू प्लस जीरो एंड फिफ्टी सिक्स बी ए प्लस थर्टी सिक्स के आर तो इसका आंसर है टेन और ये सेवन है टेन रेस्ट टू सेवन जे और वो ज्यू जो होता है वर्क डन बाय फोर्स तो ये इसका वन अर्क इसे इस तरह से करना है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वन अर्ग इस अमाउंट वर्क डन बाय फोर्स ऑफ डाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर सी जी में तो जूल जो है ऐसा यूनिट है वर्क डन का एनर्जी का जो कि फोर्स ऑफ वन एंड में आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एम से तो कन्वर्ट करना है सीजीएस को एसआई SI यूनिट में उसका फॉर्मूला ये है वन ए आर जी और इजिक्व टू टेन रेस टू माइनस थ्री एन मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू माइनस टू एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन एस तो इजिक्व टू हो रहा है टेन रेस टू सेवन जे जियोल तो ये इस तरह से आप इसकी स्क्रीन लेके रख सकते हैं तो टेन रेस टू सेवन जे करना है जियोल एन एनिमल पॉप्स आउट इज स्टमक्रो इट्स माउथ टू ईट सॉफ्ट मटेरियल कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंगल गोज बैक इन टू द बॉडी ऑफ एनिमल टू स्लोली डाइजेस्ट द फूड द नेम ऑफ दिस एनिमल इज तो ये एनिमल का क्या नाम है जो कि एक एनिमल पॉप्स आउट करता है उसका स्टमक मतलब जुगाली करते रहता है ईट करने सॉफ्ट मटेरियल एनिमल कवर होता है बार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से ओपनिंग होता है शेल और वो ईट करता है सॉफ्ट मटेरियल स्टमक से वो उसकी बॉडी में और स्लोली डाइजेस्ट करता है फूड ये एनिमल का इसमें से क्या नाम है तो ये ये क्वेश्चन आया था सी टेट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन में सी टेड सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है तो इसमें इसमें आप क्रोकोडाइल टोरटाइज में भी आ, हो सकते हैं टोरटाइज में फ्यूज तो इसमें स्टारफिश इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर हम देखेंगे ये सी टाइट में आता है कि स्टारफिश जो है स्टारफिश प्रोसेस करती है वेरी यूनिक सिस्टम डाइजेशन की माउथ स्टारफिश का प्रेजेंट होता है वेंट्रल सर्फेस से अंडर साइड से और एन एस डोर्सल सर्फेस से अपर साइड से होता है तो स्टारफिश कैच करती है प्रे विद द माउथ और उसको पॉप्स आउट करती है कार्डिक स्टमक से उसके माउथ से ईट करना सॉफ्ट मटेरियल तो एनिमल जो कवर होते हैं हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से ओपनिंग सेल और ईटिंग द सॉफ्ट मटेरियल स्टमक गोस होता है बैक बॉडी में एनिमल के स्लोली डाइजेस्ट करने फूड विल द हेड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स तो पॉप्स सॉट अलग है ये इसमें जुगाली नहीं रहेगा तो ये स्टारफिश कर देंगे मिस्से और सेव कर देंगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा बियर पोर्स फ्लैट वॉम्स बोथ एन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा क्या है इसमें से इसे हम फिलहाल अभी बियर पोर्स कर देंगे ये कंफ्यूजिंग है बाद में इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट है अब पेंड्यूलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज अ टाइम पीरियड टी व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट इंक्रीज डिक्रीज बिकम इन्फेनाइट रिमेन अनअफेक्टेड तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा इसमें पेंडुलम का अगर लटका दिया गया सीलिंग ऑफ ट्रेन से टाइम पीरियड टी रखा गया तो ट्रेन एट रेस्ट में डिक्रीज हो जाएगा पेंडुलम डिक्रीज करेंगे इसे नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ द मोस्ट स्टेबल और इनर्ट एटम इज वन फोर सिक्स और एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर शेल में तो वो एट होंगे एट करेंगे इसे नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इफ वी इज फाइनल वेलोसिटी यू इज इनिशियल वेलोसिटी ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम तो यहां पर ए इज इक्व टू वी माइनस यू टी इस तरह बता रहा है, लेकिन इसमें आंसर्स में हमारे पास वो नहीं है तो यहां पर ए इज इक्व टू ए वाला है ही नहीं यहां पर तो ये सब फर्स्ट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी उसका सोल्यूशन की स्क्रीन शॉट लेकर आपको रखना है कि हमको पता है कि एक्सेलेशन इक्वल टू रेट ऑफ एक्सचेंज वेलोसिटी होता है चेंज इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहां पर ए इजक्ल टू वी माइनस यू अपॉन टी हमारे पास फॉर्मूला है या फिर a मल्टीप्लाई बाय टी टू वी माइनस यू और ये भी कर सकते हैं कि ए इजिक्वल टू वी माइनस यू और ए प्लस ए टी प्लस यू इजिक्वल टू वी तब यहां पर ये फॉर्मूले के हिसाब से वी इधर आ जाएगा वी इजिक्वस टू यू प्लस ए टी जो कि हमारे पास ए टी यहां पर है फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन विच द गमोफाइट इज डोमिनेंट दिस स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई टेरिडोफाइट बायरो प्रोटोजा तो यहां पर मोसेस बायरो ब्रेफाइट्स में आएगा ब्रेफाइट्स तो थर्ड करेंगे ब्रेफाइट्स नेक्स्ट है हाउ मैनी कैलरीज आर देर इन वन किलो कैलरी वन किलो कैलोरी में कितनी कैलरीज पाई जाती है तो वन थाउजेंड पाई जाती है Yes, तो या फिर वन किलो कैलोरी भी कहते हैं उसे किलो कैलोरी वन कैल के कैल नेक्स्ट है इन द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल गिवन बिलो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट ए बी एंड सी ये एनिमल के और डी तो क्या है ए सेल वॉल है बी वैक्यूल है या फिर डी का मतलब है न्यूक्लियस तो यहां पर हमें देखना है कि कौन सा है यहां पर ये सीटेड फेब्रवरी 2014 में आया था यह क्वेश्चन जिसका आंसर यह है कि ए सेल मेंब्रेन है सेल मेंब्रेन बी जो है तो वैक्यूल है सी न्यूक्लियस है और डी जो है तो साइटोप्लाज्म है डी इक्वल टू साइटोप्लाज्म सी न्यूक्लियस बी जो है तो वैक्यूल है और सी सेल मेंब्रेन सेल मेंब्रेन तो यहां पर सेकेंड हम करेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर प्रोपोगेशन इन रबर मैंगो शुगर केन स्टेम कटिंग किसमें की जाती है तो शुगर केन में आती है गन्ने में स्टेम कटिंग नेक्स्ट है वेन अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मींस द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटोन्स द बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज लॉस्ट सम न्यूट्रॉन्स तो पर राइट आंसर ए है बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉडी बिकम निगेटिव चार्ज होती है जब बॉडी छोड़ देती है इलेक्ट्रॉन को और बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है तो वो हिसाब से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रीजन से आएगा इसे नेक्स्ट करेंगे सेव करके नेक्स्ट है इट इज अ कॉमन नोशन दैट द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज परमानेंट मैग्नेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो यहां पर तो यहां पर कॉमनली ये नोट से नोशन बनाया कि नोट किया गया मतलब मुशाह किया गया कि अर्थ uh, का जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से है मैग्नेटिज्म कि वो प्रेजेंस ऑफ बहुत ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट है उसके इंटीरियर अर्थ में या फिर इलेक्ट्रिक करंट है जो सर्कुलेट होते रहता है अर्थ में या फिर इन्फ्लुएंस है असर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के असर से तो ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये दो तो निकल जाएंगे अब दो बचे है. या तो मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक करंट्स uh, तो इसका राइट right आंसर है कि अर्थ में लिक्विड मेटल जो होते हैं वो लिक्विड मैटर आउटर कोर पास जो होती है मैग्नेटिक फील्ड से जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो लिक्विड मेटल में तो वो वजह से सेकेंड रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इन टर्न क्रिएट होता है ख़ुद की मैग्नेटिक फील्ड और वो स्ट्रांगर होती है वो फील्ड से जो फर्स्ट प्लेस पे होती है तो वो इलेक्ट्रिक यहाँ पर करंट सर्कुलेशन इन इंटीरियर ऑफ अर्थ ये करना रहेगा नेक्स्ट है द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ किचन गार्बेज इन टू मैनवर एंड गिवन बिलो इन जम्बल फॉर्म पुट द गार्बेज इन दिट कवर द बॉटम ऑफ द पिट विथ सैंड कवर द पिट लूजली विथ ग्रास और ग्यूनी गनी बैक एड व करेक्ट सीक्वेंस इसमें से क्या है तो एक के सीक्वेंस दी हुई है सबसे पहले मैं करना होगा पुट द गार्बेज इन दिट तो ये फर्स्ट ए यहां पर आएगा इस तरह से मतलब ये जो सिक्वेंस है हम सही लगाना है तरतीब में तो यहां पर ए किसी में भी नहीं है यानी सारी स्टार्टिंग बी से हो रही है, तो ये हमें वाजे है कि बी पहले आ जाएगा कि पहले कवर करना है बॉटम ऑफ द पिट का सैंड से तो पहले बी आएगा उसके बाद है पुट द गार्बेज इन अ पिट तो ए आएगा और बी और ए जब आ गया तो ये सब खत्म हो गया इसका आंसर ये आएगा लेकिन यह कंफ्यूजन है कि यहां पर ए के बाद सी और डी है तो अब देखना है उसके बाद एडव उसमें करना है तो D में है तो तो डी डी में बी ए और और ये एक हिसाब से करेक्ट सीरीज हो जा रही लास्ट में कवर करना है पिट को लूजली विथ ग्रास और गनी गनी बैग में ये कर देंगे इसे करके हम सेव करेंगे नेक्स्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप फॉर प्रोड्यू प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग इन साइंस प्लानिंग स्टेज एग्जीक्यूशन स्टेज प्रेजेंटेशन स्टेज इवेल्यूशन स्टेज इनमें से कौन सी एक स्टेप नहीं है प्रोसीजर के लिए टीम टीचिंग साइंस के अंदर तो पहले आता है सबसे पहले टीचिंग में प्लानिंग उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन वो भी है उसमें उसके बाद होता है इवेल्यूशन और ये तीन जो है तो उसके टीम टीचिंग के है उसके अंदर कहीं पर भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता तो हम वो हिसाब से अभी प्रेजेंटेशन कर देंगे इसे सेव कर देना है नेक्स्ट करेंगे फिर अब वट कैन बी यूज एज अ डिवाइस फॉर मेकिंग टीचिंग ऑफ साइंस मोर इफेक्टिवली प्रिंसिपल्स टेक्निक्स मेथोडोलॉजी ऑल ऑफ दबाव क्या चीज से बहुत असरअंदाज तरीके से या फिर क्या कंक्लूड होता है मेथड इफेक्टिव के लिए तो इफेक्टिव टीचिंग टीचिंग टेक्निक्स के लिए इसमें से क्या आएगा ये एच टी टी में आया था हरियाणा के टी टी में जिसका क्वेश्चन था वो कि क्या आता है तो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग था उसके अंदर जवाब टेक्निक्स इफेक्टिव बनाने के लिए तो टीचिंग टेक्निक वो हिसाब से हम याद रखेंगे हालांकि ऑल भी हो सकता है लेकिन इसमें कंफ्यूजन है इसे हम लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव द लर्नर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज स्टूडेंट बींग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग ऑन मटेरियल ऑफ डेली यूज स्टूडेंट बींग फर्स्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्मेंट आर्सीमेट प्रिंसिपल फॉलोड बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट लेबलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स बाय प्लेसिंग दैम इन अ सेल्फ स्टूडेंट अंडर गोइंग द इलेबोरेट डिटेल्ड सेशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो इसमें से क्या चीज सिचुएशन देती है लर्नर को बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनकी नॉलेज बढ़ाने क्या इंस्ट्रक्ट करना उन्हें टीम टीचिंग से तो ये नहीं है स्टूडेंट बींग फर्स्ट शोन पहले उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशन बताया जाए फॉलोड बाई डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो ये भी नहीं उसका सही जवाब ये लेबलिंग स्टूडेंट लेबलिंग करेगा मटेरियल पे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर से प्लेस करेंगे और सेल्फ असेंबल क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट तो ये उनके थ्रू हो रहा है अंडर गोइंग एन एलेबलेट डिटेल सेशन ऑफ प्रोग्राम तो ये भी सुनने वाला है तो लेबलिंग द गिवन मटेरियल कंडक्टर ये उसे सही करना है हमें इसे हम सेव करेंगे ये सी टी टी फेब्रवरी टू में ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्जोनॉमी वॉट इज द कॉगनेटिव ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी अचीव थ्रो द फॉलोइंग टास्क राइटिंग अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑफ साइंस गिवन बाई अ टीचर रिमेंबरिंग एंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग ऑल ऑफ द अबाव ब्लूम्स टेक्जोनॉमी के हिसाब से कौन सी कॉगनेटिव ऑब्जेक्टिव होती है जो अचीव होती है टास्क में राइटिंग जैसे कि लिखना एक प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम दी हुई साइंस में टीचर के जरिए क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगा रिमेम्बरिंग या एनालाइजिंग आएगा या फिर सारा आएगा तो अभी हम इसमें ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसे फिलहाल ज्यादातर कन्फ्यूजन इसमें है कि एनालाइजिंग हो सकती है ज्यादा क्योंकि साइंस में ऑब्जर्वेशन ज्यादा होते हैं तो एनालाइज करना रिमेम्बर याद दिहानी अंडरस्टैंड समझना तो उसमें समझ तो जाता है तो एनालाइज लेकिन फिलहाल हम उसे ऑल ऑफ दबाव कर देंगे और इसकी थेरी में जो कॉगोनेटिव डोमेन्स है तो रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवेल्यूएट आता है लेकिन इसमें जो साइंस का प्रोजेक्ट है उसमें कन्फ्यूजन है तो हम इसे अभी फिलहाल ऑल ऑफ दी अबाव करेंगे नेक्स्ट है गीता इज प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग द टॉपिक ऑन ह्यूमन आई टू क्लास एट स्टूडेंट्स इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द लेसन प्लान इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड रिलेटेड कंसेप्ट तो ये गीता प्रिपेयर कर एक लेसन प्लान टीचिंग टॉपिक पे ह्यूमन आई इंसान की आंखों पर एक क्लास एट स्टूडेंट पर और इसके इंक्लूजन में कौन सी एक्टिविटी वो लेसन प्लान में रखेंगी मोर इफेक्टिव होंगी स्टूडेंट के लिए तो डेमॉन्स्ट्रेशन मिसाल देना मॉडल ऑफ ह्यूमन आई की तो ये उसका आंसर हम करेंगे सी टेड फेबर टू थाउजेंड फोर्टीन में क्वेश्चन आया था डेमॉन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल तो और ये टाइम अप हो गया हमारे पास टोटल ये करने के बाद फोर क्वेश्चन रह गए और इसे हम आगे के क्वेश्चन ये करेंगे अभी हमारे पास ट्वेंटी वन करेक्ट आए हैं और फाइव इनकरेक्ट है तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से इनकरेक्ट हुए तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों गलत है एट थर्ड टेंथ भी गलत है और ट्वेंटी से सॉल्व जो हमने किया था वो सही आया है ऑल ऑफ दी अबाव उसके बाद ट्वेंटी सेवन में डेमॉन्स्ट्रेशन हम करने जा रहे थे गलत हो रहा था यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज और इंटरक्टिव क्लास रूम क्वेश्चनिंग ये उसका सही जवाब है डिक्टेटिंग नोट टू स्टूडेंट इन क्लास रूम प्रिपेरिंग अ गुड होम असाइनमेंट तो हम यहाँ पे यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन कर देंगे नेक्स्ट ट्वेंटी एट वट शुड बी द एम ऑफ टीचिंग साइंस एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एम क्या होना चाहिए टीचिंग साइंस का मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर थ्रो इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड लॉजिकल थिंकिंग इसका सही जवाब है मेकिंग स्टूडेंट अवेयर अवर्ट द वर्ल्ड नहीं है इनकलकेटिंग द फीलिंग ऑफ रियलिज्म ऑल भी नहीं है स्टूडेंट्स को अवेयर करना इंक्रीज करना अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग से ये टीचिंग साइंस ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है नेक्स्ट ट्वेंटी एट वाट आर द इंटरनल क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स बुक ऑफ सोशल ऑफ साइंस स्टडीज फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट लेवल तो स्टूडेंट के लिए इंटरनल क्वालिटीज टेक्स्ट बुक की क्या होनी चाहिए तो सारी है क्लियर प्रिंटिंग होना चाहिए उसमें टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए साइकोलॉजिकल मैनर में और सुटेबल पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होना चाहिए चार्ट सपोर्टिंग फ्लो चार्ट वगैरह तो ऑल उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन इज अ जनरल रूल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एक्सम्पल आर इलस्ट्रेटेड इसमें से कौन से में लेसन जो दिया हुआ है जनरल रूल को एक्सप्लेन करता है फर्स्ट और बाद में एग्जाम्पल दी जाती है तो डिडक्टिव लेसन की वो एग्जाम्पल है इंडक्टिव कॉग्निटिव स्किल नहीं है डिडक्टिव लेसन अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स देखेंगे